Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session, we will discuss about the very important principle of law, that is law of equity. देखिए हमने interpretation of statute देखा, जो मेरा पुराना session है interpretation of statute का, if you want to see that, तो playlist बनी हुई है, आप वहाँ पर check out कर सकते हैं. तो interpretation of statute में हमने देखा कि हम किस तरह से law को समझ सकते हैं. सबको पता है कि जो लॉ की लैंग्वेज होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है. लॉ स्टूडेंट्स को तो पता ही है, बट जो जनरल लाइफ में अगर वो बेयर एक्ट देखेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा कि लॉ की लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट होती है, उसको समझना कितना डिफिकल्ट होता है. तो वो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में देखा कि किस तरह से आप उसको पढ़ोगे और समझोगे और अपनी नॉर्मल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते. अब वहां पर भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट आ जाता है कि अगर लॉ को समझना है तो एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ इक्विटी, और वो इक्विटी का कंसेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ता है. अब यही कंसेप्ट हम आज पढ़ने वाले हैं कि इक्विटी का कंसेप्ट है क्या. ठीक है, तो पूरे सेशन तक जुड़े रहिएगा. इक्विटी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत हमारे इंग्लिश लॉ से एक तरह से लिया गया है ये कंसेप्ट. हम बहुत जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे इक्विटी की, और जो इक्विटी में मैक्सिम्स आती हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो पूरा एंड तक सेशन देखिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. राइट, उससे पहले गाइज, इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे, लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं. देखिए जो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी. अब बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विटी के बारे में. अब आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा. व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस पिक्चर? देयर आर थ्री पीपल जो एक पेड़ से फ्रूट ले रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे? देखिए ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं इसको शिखा, दीक्षा और शुभम. अब मुझे बताइए शिखा, दीक्षा और शुभम में क्या डिफरेंस है? देखिए शिखा की हाइट अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी है, दीक्षा की उससे छोटी और शुभम की उससे छोटी. अब रियल लाइफ में बात करें तो शिखा की हाइट जो मैं हूँ थोड़ी छोटी है, इतनी लंबी नहीं है, बट तब भी ठीक है. तो शिखा की हाइट देखिए कितनी बड़ी है, दीक्षा की और शुभम की हाइट देखिए. तो उसी अकॉर्डिंग अब यहाँ पर क्या किया गया है? अब ऐसा नहीं है, जब हम बात करते हैं हम एक तरह से देखते हैं हमारा इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है. वैसे तो हम बात करेंगे आगे मैगजीन में कि इक्विटी इज इक्वालिटी, बट इक्वालिटी के कंसेप्ट में क्या होता कि कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसकी हाइट कितनी है, किसकी हाइट कितनी नहीं है. बट ये जो जो इनको दिया गया है सहारा, जिसके ऊपर ये लोग खड़े हुए हैं, ये बॉक्सेस के ऊपर खड़े हुए हैं, ये सबकी हाइट क्या होती? सेम होती. ठीक है, इन सबकी हाइट क्या होती? सेम होती, कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो जब सेम अपॉर्चुनिटी, सेम चीज आपको दी जाएगी तो उसमें ये चीज नहीं रहती. अब देखिए यहां पर देखिए, अगर सबको तीन बॉक्सेस जो थे सेम मिलते तो यहाँ पर जिसकी हाइट सबसे लंबी है वो बहुत ज्यादा उसको अननेसेसरी प्लेटफॉर्म मिल जाता, और जिनकी हाइट छोटी है क्या पता उनको वो पहुंच ही नहीं पाते उस स्टेज तक, वो फ्रूट ले ही नहीं पाते. तो इक्वालिटी क्या बात करता है? इक्वालिटी बात करता है, ये देखिए ये कंसेप्ट इक्वालिटी का होता है कि जितना जिसको चाहिए वो उतना उसको मिलेगा. इट इज अ फीलिंग. इक्वालिटी, इक्विटी बेसिक इज अ फीलिंग कि सही करना है हमको, सोसाइटी में सही करना है. जो भी इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा उसको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. इन दोनों पहलुओं को बहुत अच्छे से देखकर वो आगे चलेगा. ये इक्विटी का प्रिंसिपल होता है कि हमें मॉरली चीजों को ठीक करना है. अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो दिए गए बॉक्सेस इनको इनकी हाइट के अकॉर्डिंग दिए गए. तो इक्विटी इस तरह से बात करता है. ठीक है, और ये बहुत ही नाइस कंसेप्ट है, बहुत ही वाइड कंसेप्ट भी है. हमारा इंडिया का बहुत ज्यादा अलग अलग लॉज जो है वो निकले हैं हमारे इक्विटी के ही प्रिंसिपल से. आई विल टेल यू आगे कि कौन कौन से लॉज बात करते हैं हमारे इक्विटी में. अब बात करते हैं कि इक्विटी आखिरकार है क्या. वॉट इज इक्विटी? इक्विटी इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स फेयरनेस एंड जस्टिस, कि फेयरनेस की जाए, जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, सही और गलत में बहुत अच्छे से पहचान करके चीजों को सॉल्व किया जाए, इक्विटी बात करता है. अब देखिए इक्विटी इज अ लीगल सिस्टम फॉर ऑब्टेनिंग अ फेयर रिजल्ट व्हेन एग्जिस्टिंग लॉज डू नॉट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन. दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ इक्विटी. इक्विटी आपके साथ क्या बात करता है? इक्विटी आपके साथ बात करता है कि देखिए लॉ तो बन चुका है, लॉ बन चुका है, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं. हमारे पास बहुत ज्यादा लॉज हैं, उसमें अलग अलग सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, वो प्रॉपर बन चुके हैं. इवन अलग अलग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखें तो कंज्यूमर्स के लिए प्रॉपर बन रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉज कभी
क्या हो जाते हैं, कभी सब मिसिंग हो जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ होल्स लूप होल्स आ जाते हैं लॉज में। तो जहां पर लॉ लूप होल लेकर आई वहां पर इक्विटी आता है, वहां पर इक्विटी का कंसेप्ट चलेगा। इस तरह से इक्विटी बात करता है कि एक लीगल सिस्टम ही है, एक फेयर रिजल्ट चाहिए, जहां पर एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड ना कर पाए वहां पर अब इक्विटी चलेगा। ठीक है, वहां पर अब देखिए, हाँ जब मैं आपको जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बता रही थी, साथ में ही मैंने आपको सेशन करवाया नेचुरल जस्टिस का भी। नेचुरल जस्टिस और इक्विटी साथ ही, दे दीज बोथ कंसेप्ट्स गो हैंड इन हैंड, ये साथ में चलते हैं, नेचुरल जस्टिस और इक्विटी। अब आपने अगर जजमेंट्स देखी होंगी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा होता है कि नेचुरल जस्टिस का यहाँ पर कंसेप्ट फॉलो नहीं किया, इक्विटी यहाँ पर हम कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से जजमेंट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में बहुत ज्यादा ये चीजें कंसेप्ट फॉलो होती है। सो वी हैव टू नो अबाउट दीज कंसेप्ट ऑल्सो, राइट। तो जहां पर एग्जिस्टिंग लॉज में कुछ लूप होल रह जाता है जो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, वहां पर इक्विटी आता है। अब इक्विटी को समझने के लिए हमको इसकी हिस्ट्री देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां से आई गई है, ये इंग्लिश लॉ से आई गई है, वहां पर चांसरी का कोर्ट बना था, बहुत ही एक हिस्ट्री है, अभी हम बात करेंगे इस तरह से हमारी इक्विटी आई गई है। चलिए अब देखिए पहले क्या होता था। इन द मिडल बाय द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी लॉ एडमिनिस्टर्ड इन इंग्लैंड वॉज इन पार्ट कस्टमरी लॉ एंड स्टैचुटरी लॉ। देयर वर थ्री काइंड ऑफ कोर्ट इन इंग्लैंड। हम बात करते हैं 13th सेंचुरी की। चलिए 13th सेंचुरी में आ जाइए। 13th सेंचुरी में जब भी लोगों को कुछ दिक्कत होती थी, लोग आपस में झगड़ लिए, देखिए अब लोग हैं, कहते भी है ना, जितने बर्तन होंगे उतनी आवाज होगी, जितने लोग होंगे उतनी लड़ाई तो होगी होगी, आपस में बहस होती रहती है, आपस में लड़ाई होती रहती है, तो लोगों की आपस में लड़ाई होती थी। जब लड़ाई होती थी 13th सेंचुरी इंग्लैंड की बात कीजिए, कहां पर आते थे लोग, लोग आते थे कॉमन प्लीज कोर्ट में, कॉमन प्लीज कोर्ट में आते थे। ये आपके सामने कॉमन प्लीज कोर्ट रहा, यहां पर लोग आते थे। अब कॉमन प्लीज जो कोर्ट है वो दो चीजों के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था, और वो कौन से हैं? एक तो कस्टमरी लॉ, ठीक है, आई होप आपको ये जो इंक है रेड इंक आपको दिख रही होगी, कस्टमरी लॉ, एंड सेकेंड स्टैच्यूटरी लॉ, ठीक है, स्टैच्यूटरी लॉ। अब क्या ये दोनों चीजें क्या है? कस्टमरी लॉ जो कस्टम्स के थ्रू बनती आ रही है, मतलब प्रथाएं जो होती हैं, प्रथाएं के थ्रू जो बनती आ रही है, जो ब्रेक नहीं होती बीच में, उसको आप कस्टमरी लॉ कह देते हैं, और स्टैट्यूटरी लॉ तो जो लॉ प्रोवाइड ही करती है। तो कॉमन प्लीज कोर्ट इन दोनों को देखकर चलता था और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता था। अब जो हमारी पार्टीज होती थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर, मतलब उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाता था, या फिर उनको ही लगता था कि हमारे साथ फेयरनेस नहीं हुई है, चाहे बात कर लीजिए प्लेंटिफ की, चाहे बात कर लीजिए डिफेंडेंट की, उनको ये कहीं ना कहीं दिखता था। तो क्या करती थी पार्टीज चली जाती थी अपील या फिर पिटीशन लेके किंग के पास। अब किंग, एक बात सोचिए, किंग के पास केसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस आने लग गए। अब किंग क्या है, किंग तो अपनी सिटी भी देख रहा है, किंग तो अपना एरिया पूरा देख रहा है, ठीक है, और वो साथ में क्या देख रहा है, केसेस भी देख रहा है। तो किंग का काम कैसे मैनेज होगा, वो पूरा क्राउन संभाल रहा है, किस तरह से काम मैनेज होगा। तो किंग ने क्या इस्टेब्लिश किया, किंग ने इस्टेब्लिश किया चांसरी कोर्ट को। तो यहां पर ये आपके सामने चांसरी कोर्ट रही, चांसरी कोर्ट को किंग ने क्या किया, इस्टेब्लिश कर दिया। अब चांसरी कोर्ट क्या करती थी, चांसरी कोर्ट जो भी किंग्स के पास प्लीज आई, पिटिशन आई, वो देखती थी और कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करती थी। बिकॉज देखो कॉमन प्लीज ने तो दो प्रिंसिपल अप्लाई कर दिए, एक स्टैट्यूटरी और एक हमारा कस्टमरी, लेकिन जो चांसरी कोर्ट है वो प्रिंसिपल अप्लाई करती थी इक्विटी का, मॉरली सही या गलत का, वो सीधे देखती थी कि क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन देती थी, राइट। तो यहां से हमारा कंसेप्ट आया है इक्विटी का, जहां पर लॉ ने लूप होल छोड़ा वहां पर इक्विटी आ जाएगी। इस तरह से अब बात करें कि 18th सेंचुरी तक इंग्लिश इंग्लैंड में चांसरी कोर्ट ने अपना बिल्कुल एक था प्लेटफॉर्म सिद्ध कर दिया था, मतलब दो कोर्ट्स हो गई थी एक तरीके से, एक कॉमन प्लीज हो गई थी, एक चांसरी कोर्ट हो गई थी। लोग अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से क्या करते थे, कोर्ट्स में आते थे। उसके बाद में भी आगे चला, उसके बाद में अलग अलग कोर्ट इस्टेब्लिश हुए, अलग अलग जो प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग चीजें आ गई, लेकिन 18th सेंचुरी तक पूरा जो हमारा चांसरी कोर्ट है उसने इस्टेब्लिश कर लिया था अपना चीज, अपना सिक्का, और क्या कर दिया था, इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी को वो लेकर आया था, लॉ ऑफ इक्विटी का प्रिंसिपल वो अप्लाई करता, राइट। तो ये हमारी क्या बात करती है, हिस्ट्री बात करती है हमारी इक्विटी की।
अब बात करें मैक्सिम्स की। इक्विटी के लिए, इक्विटी को अगर हम पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है इसकी मैक्सिम्स को पढ़ना। हमने हिस्ट्री देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन प्रॉपर देख ली, अब हमको मैक्सिम देखनी है। और अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इक्विटी की। कि देखिए, लॉ जहां पर थोड़ा सा कमी रख लेता है, कहीं ना कहीं हम देखिए हम कोर्ट्स में जाते हैं, हमें एविडेंस देना पड़ता है। लॉ सीधी बात करता है कि लॉ कहाँ है, एविडेंस कहाँ है। ठीक है, कई बार कुछ सही चीज भी एविडेंस ना होने की वजह से क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी में प्रॉपर देखा जाता है, मॉरली भी चीजों को देखा जाता है। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी बुजुर्ग को क्या क्या कह रहे हो, बुजुर्ग से आपने साइन करवा दिया, क्या बोलकर कि ये आपके क्या है, ये आपके कोई इंश्योरेंस के पेपर है, इसको साइन कर दीजिए। लेकिन आप उस बुजुर्ग की क्या कर रहे हो, आपने उनकी जमीन को हथिया लिया। तो ऐसे कंसेप्ट भी क्या होते हैं, हमारे लॉ ऑफ इक्विटी में आ जाते हैं। एक बहुत ही मेजरली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पार्ट परफॉर्मेंस। मैंने अपने एसआरए के लेक्चर में, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लेक्चर में, बहुत अच्छे से आपको पार्ट परफॉर्मेंस बताया। तो ये पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है कि अगर एक पार्टी ने अपनी पार्ट अपना परफॉर्मेंस कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर लिया। मान लीजिए क्या था, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एंड बी आर टू पीपल। अब ए ने क्या किया, बी को अपनी जमीन दी। यहां पर इस जमीन की क्या हुई है, रजिस्ट्री नहीं होती है, नहीं हुई है। हमें पता है रजिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जमीन की करवाना, जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसके बाद ही आप पर क्या आता है, टाइटल आता है। लेकिन लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये नॉर्मल जनरल लोगों के लिए भी आ जाता है कि ए ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी बेची बी को, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हुई। इन दोनों का क्या हुआ, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपस में एक बातचीत हुई, और क्या कहा गया कि ए ने, बी ने कहा कि देखिए चलिए अभी मैं रजिस्ट्री नहीं करवाता हूं, मैं आपको, प्रॉपर्टी थी 1 लाख रुपए की, यहाँ पर बी ने 50,000 रुपए दे दिए, 50K दे दिया, और उसने बोला कि रजिस्ट्री के टाइम बाकी जो बचे हुए हैं 50,000 वो मैं आपको रजिस्ट्री के टाइम दूंगा। राइट, इतना इनका बढ़िया चीजें चल पड़ी। लेकिन ए को क्या मिल गया, ए को सी मिल गया। अब सी क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी का उसको 5 लाख रुपए दे रहा है। अब देखिए जो पैसा है वो बड़े बड़े लोगों को चेंज कर देता है, तो यहाँ पर 1 लाख और 5 लाख में देखिए कितना डिफरेंस आ गया। तो ए ने क्या किया, ए ने बोला कि अभी देखो ये प्रॉपर्टी मेरी रजिस्टर तो हुई नहीं है, बी अभी ओनर तो बना ही नहीं है, मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को सी को बेच दूंगा। तो यहाँ पर ए ने क्या किया, प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया। अब बी क्या हुआ, बी अब क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है कि सर मैंने 50,000 रुपए दे दिए थे, मैंने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पार्टली परफॉर्म कर दिया था, आई वॉन्ट दिस प्रॉपर्टी, मैं इस प्रॉपर्टी का हकदार हूं, ये कोर्ट में जाके कह सकता है हमारा बी पर्सन। लॉ की बात करें तो लॉ तो सीधे कहते हैं कि रजिस्ट्री नहीं हुई, आप ओनर नहीं हुए, लेकिन अगर आपने पार्ट परफॉर्म कर दिया है तो आपको लॉ क्या कहता है कि नहीं ठीक है, हम आपका देखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये कंसेप्ट किसका है, एसआरए का। और ये कंसेप्ट कहां सर, कहां से आया जनाब, ये कंसेप्ट आया है इक्विटी से। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है इक्विटी, इक्विटी के प्रिंसिपल से आया, क्योंकि सही गलत देखा जा रहा है ना यहाँ पे। सही क्या है कि जिसने पैसा दिया है उसको कितना लॉस हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, 50,000 बंदे ने दे दिया, क्या क्या नहीं सोच लिया होगा कि इस प्रॉपर्टी में मैं क्या क्या नहीं बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो गई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है पार्ट परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पर लॉ आपको प्रोवाइड करता है प्रॉपर रेमेडी। तो इक्विटी क्या कहता है, इक्विटी से ये प्रिंसिपल आया है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की भी हमारे बहुत ज्यादा चीजें हैं जो इक्विटी से आई है। आई वॉज टेलिंग यू ना कि हमारे लॉ की बहुत ज्यादा चीजें जो है इक्विटी प्रिंसिपल से आई है। तो एसआरए का ये वाला पार्ट भी जो है, पार्ट परफॉर्मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये भी कहाँ से आया, इक्विटी से आया। अब चलिए कुछ बात करते हैं हमारी मैक्सिम्स के बारे में। तो फर्स्ट मैक्सिम हमारी है, इक्विटी फॉलोज द लॉ। अब ऐसा नहीं है कि इक्विटी लॉ को फॉलो नहीं करती। मैंने आपको बार बार बोला कि जहां पर लॉ का कुछ लूप होल आ गया, जहां पर लॉ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं करता, वहां पर हम इक्विटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इक्विटी लॉ को फॉलो कर रही है, ऐसा नहीं है दोनों आपस में झगड़ा करके बैठ गए हैं कि ये इक्विटी का कंसेप्ट चलेगा और ये लॉ का कंसेप्ट चलेगा, ऐसा नहीं होता। द मैक्सिम इज इंडिकेटिव ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन लॉ एंड इक्विटी, व्हिच इंप्लाइज दैट इक्विटी वुड इंटरवीन विद द कॉमन लॉ इफ जस्टिस रिक्वायर्ड इट। अगर जस्टिस को चाहिए होगा कि मुझे इक्विटी का प्रिंसिपल यहां पर अप्लाई करना है, तब वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा। राइट, ऐसा नहीं होगा किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए। अब रेप के लिए देखिए हमारे कितनी प्रॉपर प्रोविजंस दी गई हैं,
ठीक है, उसमें अब अगर लॉ किसी भी चीज के लिए दिया गया, डकैती के लिए देख लीजिए, और भी बाकी प्रोविजंस के लिए देख लीजिए, थेफ्ट के लिए देख लीजिए, किडनैपिंग के लिए देख लीजिए, अलग अलग आईपीसी हमारा सारे ऑफेंसेस की बात करते ही है मेजरली, कंज्यूमर की बात की मैंने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की, एनसीएलटी कंपनी लॉ, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनीज के लिए अलग से दिया गया है, कंपनी लॉ बना गया है, मतलब हर चीज के लिए एक लॉ बना हुआ है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में लॉ बात करता है कि मैंने अगर दूसरे पर्सन को थप्पड़ मारा तो उसके लिए लॉ है, तो लॉ चलेगा, लेकिन अगर उस चीज के लिए लॉ नहीं होता तो इक्विटी इंटरवीन करेगी। तो इक्विटी फॉलोज द लॉ, दोनों आपस में झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये बात देख लीजिए। इट डज नॉट अटेम्प्ट टू ओवर रूल कॉमन लॉ जजमेंट्स। और हाँ एक बात और देख लीजिए, देखिए दो चीजें होती है, एक स्टैट्यूट होता है अपना, एक प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट क्या बात करते हैं, जजमेंट्स के बारे में बात करते हैं, पुरानी जजमेंट्स के बारे में, ठीक है। देखिए आपने देखा भी होगा जब भी हम जजमेंट देखते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखा जाता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर प्रोविजन पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को भी देखता है, ठीक है, कि मैंने पहले क्या कहा था, अब मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह से एनालाइज करना है। तो जजमेंट्स भी चलती हैं। तो क्या कहा गया है कि इक्विटी ना ही जजमेंट्स को ओवर रूल करेगा ना ही लॉ को ओवर रूल करेगा, राइट right? तो कैसे चलेगा इक्विटी, जहां पर थोड़ा सा लूप होल होगा वहां पे इक्विटी बस आ जाएगा। मतलब कॉमन जनता के लिए तो लॉ देखो कितना काम कर रही है, कि अगर लॉ स्टैट्यूट नहीं है तो आपके लिए इक्विटी है। द मैक्सिम इक्विटी फॉलोज द लॉ इज इंडिकेटिव ऑफ द डिसिप्लिन ऑब्जर्व बाय द चांसरी कोर्ट वाइल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन डन अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियस, ठीक है, कि आप जस्टिस तो कर रहे हो अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस कर रहे हो, अपने दिल की भावनाओं से आप कर रहे हो, लेकिन वहीं आपको लॉ को क्या करना है, लॉ को ऐसा नहीं करना है कि लॉ को आप कट करके चल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आप बात करें, अगर हम बात करें मैक्सिम की, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, कि जो चाहता है कि मेरे लिए सही हो उसको सही करना भी पड़ेगा। अब मैंने आपको पार्ट परफॉर्मेंस का एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि बी ने 50,000 रुपए दिए थे, अब बी आ गया कोर्ट में कि सर मैंने 50,000 दिए थे, अब ये प्रॉपर्टी सी को बेच रहा है, लेकिन आप भी विलिंग होने चाहिए अगले 50,000 देने में। ऐसा ना हो कि आप कोर्ट से लेकर आ गए कि यस ये प्रॉपर्टी इनको दी जाए और वो जो नेक्स्ट 50,000 बचे हैं वो आप ना दे, ऐसा नहीं होगा। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, जो चाहता है कि मेरे लिए अच्छा काम करे कोर्ट, उसके लिए उसको खुद भी अच्छा काम करना पड़ेगा। द मैक्सिम मींस दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इक्विटेबल रिलीफ द प्लेंटिफ मस्ट हिमसेल्फ बी प्रिपेयर टू डू इक्विटी, दैट इज देयर मस्ट बी रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकेट करना है चीजों को, ठीक है। अगर आप मांग रहे हो डिफेंडेंट से कोई चीज तो आपका भी क्या होना चाहिए, आपका भी करेक्टर, आप भी ठीक राह पर चलने चाहिए, इक्विटी ये बात करता है। Plaintiff seeking equitable relief must be prepared to act fairly towards his opponent. The court looks at the plaintiff's future conduct. He must be prepared to act equitably. ठीक है, court क्या देखेगा? Future conduct देखेगा. If plaintiff is unworthy, the court will not grant relief even if he has established equitable rights. ठीक है, इक्विटेबल राइट्स भी इस्टेब्लिश कर लिए, लेकिन अगर प्लेंटिफ अनवर्दी लगता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये बाकी के जो बचे हुए 50,000 है वो देगा, तो कोर्ट फिर इक्विटेबल जो इक्विटेबल रिलीफ है उसको नहीं देगी। नेक्स्ट मैक्सिम की बात करें, इक्वालिटी इज इक्विटी, मैंने पहले भी कहा था, देखिए इक्विटी क्या है, इक्विटी इक्वालिटी है। इक्विटी कोई फेवरेट्स प्ले नहीं करती कि ये यहाँ पे ए बी सी तीन लोग हैं, और इक्विटी कहेगी कि नहीं बी जो है, बी तो मेरा भतीजा है, मुझे इसको अच्छे तरीके से, मुझे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ए और जी सी जो है वो जाए जहां मर्जी, ऐसा नहीं होता। इक्विटी ये बात नहीं करता, इक्विटी बात करता है कि जो तीनों के तीनों लोग हैं, मुझे एक तरह मेरे को इन तीनों को ही एक ही नजर से देखना है। मतलब अब इसको लॉ की नजरों में देखिए कि इक्विटी ये बात करता है कि प्लेंटिफ है, मुझे इसको भी नॉर्मल नजरों से देखना है, डिफेंडेंट है उसको भी मैं उसी नजरों से देखूंगा, दोनों का सॉल्यूशन देखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि प्लेंटिफ के साथ आप फेवरेट प्ले कर रहे हो कि मैं प्लेंटिफ को ही देखता रहूंगा, नहीं, ठीक है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों की प्रॉब्लम्स को देखना है, तब इक्विटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है। इक्वालिटी इज इक्विटी, equity delights in equality, equity does not play favorites. If there is dispute over property in which more than one party has a beneficial interest, then property will be divided equally. कि एक पार्टी में अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट भी होते हैं अगर beneficial interest, तो equity क्या कहता है कि part जो भी property है वो equally divide की जाएगी, ठीक है, इस तरह से बात होती है। Next आज ये maxim बात करता है delay defects equity. अगर आप देखो ये तो लॉ ऑफ लिमिटेशन में बात करता है कि अगर आप सूट लेकर आ रहे हो, अगर आपके साथ ही कुछ गलत हुआ है और आप क्या कर रहे हो, आप 5 सालों बाद कोर्ट के पास जा रहे हो कि सर वो देखिए पिछले 5 साल, जो 5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था,
अब इक्विटी भी यहाँ पे ये बात करता है, कोड भी यहाँ पे ये बात करता है कि पहले उस 5 साल जो हो गया टाइम, आप कहाँ थे, कहाँ थे आप? आप बोल रहे हो कि मेरे घर पे जनाब चोरी हुई है 1996 में, और आप केस लेकर आ रहे हो 2001 में। अब यहाँ पर कितना ज्यादा टाइम है, तो यहाँ पर कोर्ट भी आपको कहेगी कि जनाब आप क्या सोए हुए थे क्या इतने सालों तक? ऐसा ही है, इक्विटी में भी यही बात करती है कि आप फिर अपना ही राइट खो दोगे। ठीक है, जब आप डिले करोगे अपने ही, जो आपको लॉ ने राइट दिया है इक्विटी का, आप डिले कर ही जा रहे हो। इट मींस इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। इट अमाउंट्स टू, इफ वन स्लीप्स ऑन हिज राइट्स विल स्लिप अवे फ्रॉम हिम। बहुत ही अच्छी लाइन, देखो कितनी अच्छी लाइन यहाँ पे की गई है कि अगर अपने राइट पे आप स्लीप्स इन हो गए, स्लीप्स ऑन हो गए, तो फिर क्या होगा, वो जो राइट है ना स्लिप अवे चला जाएगा, आप उसके ऊपर सो गए और वो आपके, आपको पता भी नहीं चलेगा कब भाग जाएगा। ठीक है, तो ये बात करता है इक्विटी। अ पर्सन हु सीक्स इक्विटेबल रिलीफ मस्ट डू सो विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड। इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट दोज हु स्लम्बर स्लीप्स ऑन देयर राइट। कि विजिलेंट जो देख रहा है चीजों को, ठीक है, जो अपने ही राइट के लिए जो लड़ता है, जो देखता है चीजों को, एनालाइज करता है, उसके लिए इक्विटी खड़ी होती है। उन लोगों के लिए नहीं इक्विटी खड़ी होती जो बस सोते ही रहते हैं कि अपने ही राइट पे वो सो गए, अब 5 सालों बाद 7 सालों बाद आ रहे हो आप कि सर मेरे साथ चोरी हुई थी वहां पे, ऐसा नहीं होगा। लीगल क्लेम्स आर बार्ड बाय स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन एंड इक्विटेबल क्लेम्स मे बी बार्ड नॉट ओनली बाय लिमिटेशन लॉ बट ऑल्सो बाय अनरीजनेबल डिले ऑल्सो कॉल्ड लैचेस। यहाँ पर एक और बात की गई कि देखिए हमारा वैसे कोर्ट की बात की जाए तो लिमिटेशन लॉ लगता है, लेकिन यहाँ पर यह भी बात की गई कि लिमिटेशन लॉ ने अगर कोई 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, लेकिन अब ये भी देखा जाएगा इक्विटी में कि कोई अनरीजनेबल डिले तो नहीं है। ठीक है, 3 साल का टाइम पीरियड तो है, लेकिन ऐसा जरूरी तो ना है कि आप 3 साल बाद ही कोर्ट में आओ। ठीक है, तो अनरीजनेबल डिले भी नहीं होना चाहिए, जिसको हम लैचेस कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड ऑफ लैचेस कहा जाता है, डिले एंड लैचेस। ठीक है, तो ये ग्राउंड भी नहीं लगना है, इक्विटी ये देख कहती है कि ठीक है, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल कहा गया है, रीजनेबल होगा अगर प्रॉपर आपको कोई कुछ ऐसा होगा चीज कि सर ये रीजन था, तब आ जाती है चीजें। ठीक है, तो ये हमारे बात करती है मैक्सिम, देयर आर अदर मैक्सिम्स आल्सो, तो ये बेसिक जो मैक्सिम्स है वो हमने कवर कर ली। तो देखिए, इफ यू हैव एनी डाउट, आई होप आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इक्विटी का कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हमने हिस्ट्री चेक कर ली, हमने इक्विटी के बारे में बहुत अच्छे से एनालाइज किया, ये देखा कि कौन से लॉज जो हैं वो इक्विटी से निकल कर आए हैं, उसके बाद में हमने अलग अलग मैक्सिम्स के बारे में देखा, तो हमने एक तरह से पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो कवर कर दिया। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो गाइज, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या है आपका डाउट। ठीक है, और लॉ से रिलेटेड इफ यू वॉन्ट एनी वीडियो, प्लीज लेट अस नो, आपके लिए वो वीडियो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल भरपूर रखिए। अभी हमने जो मैगजीन पढ़ा कि डिले नहीं देखती इक्विटी, तो तैयारी जो है जीत की वो भी डिले नहीं देखती, अभी से स्टार्ट करोगे, चलिए राह पर चल दीजिए। ठीक है, तो इस, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज अपना ध्यान रखिए, मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।